त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं। देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में हरियाणा में भी दिवाली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर फूड सेफ्टी विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। तस्वीरें पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक की डेयरी से सामने आई है, जहाँ त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने छापेमारी की। विभाग ने मौके से सैंपल भी भरे। वहीं कुरुक्षेत्र में भी जिला फूड सेफ्टी अधिकारी की टीम ने दलबल समेत पीपली में रसगुल्ला फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां फैक्ट्री में दूषित रसगुल्ले मिलने से हड़कंप मच गया। टीम ने रसगुल्लों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे त्योहार का सीजन चल रहा है तो पिछले एक महीने में लगभग 50 सैंपल्स यहाँ से एनालिसिस के लिए जा चुके हैं और मुहिम लगातार जारी है। मेरी सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर से अपील है कि बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के काम ना करें। जो काम आप कर रहे हैं साफ सुथरा करें। आप कोशिश करें अपनी तरफ से कि आप स्वस्थ, जो स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वही मुहैया करें खाने के लिए। आप जो सामान बेच रहे हैं घूम फिर के आपके ही घर में आएगा, तो मेरी सभी से अपील है कि साफ सुथरा काम करें, अच्छा सामान बेचें। उधर पलवल में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने होटल में श्री बालाजी फूड फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। हमने 5 चीज़ों के सैंपल लिए हैं, जिसमें एक आंवला का चूरा है उसका सैंपल लिया है। दूसरा जो गुलकंद बनाने में जो चीज़ यूज़ होती है, जो मिडवे के अंदर होता है, जिसमें रोज बेटल और साथ में चीनी का जो घोल होता है उसका हमने सैंपल लिया है। और हमने जो गाजर का जो अचार बन रहा था उसका जो मिडवे था उसका सैंपल लिया है। ये कुल मिला के हमने 5 सैंपल्स इस फैक्ट्री से लिए हैं। मुरब्बे के भी लिए हैं? मुरब्बे के भी लिए हैं। तो अब सेब का मुरब्बा जो होता है उसका भी सैंपल लिया। तो क्या कर, हमने सैंपल लेके सैंपल सील कर दिए हैं और जांच के लिए इनको चंडीगढ़ प्रयोगशाला भेजा जाएगा। दिवाली के त्यौहार है, सबसे ज़रूरी लोगों के लिए मिठाइयाँ होती हैं और इस मौके का कई लोग गलत मजाज फायदा उठाकर हानिकारक मिठाइयाँ या लो स्टैंडर्ड की मिठाइयाँ बनवाकर लोगों को देते हैं, जिस कारण से उनकी तबीयत और सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस संबंध में पिछले कुछ दिन से सीएम फ्लाइंग पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर मिठाइयों की रेड कर रही है। इसी संबंध में हमने फरीदाबाद और पलवल में सैंपलिंग कराई है। कई जगह पर मिठाइयाँ सब स्टैंडर्ड प्रतीत होती थी, उनका जैसे रिजल्ट आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बता दें कि त्योहारी सीजन में कुछ मिलावट खोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीमों की ओर से शिकंजा कसा जा रहा है ताकि त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। पलवल से सौरभ वर्मा, पंचकुला से तारा ठाकुर, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, सूर्य समाचार।